are going to learn new song in class 1. The name of song is a happy song. Children, happy song हम किसे बोलते हैं? खुशी वाला गाना. Happy का मतलब होता है खुश होना. Song का मतलब होता है गाना. अब आज हम unit 1 में एक नया song गाएंगे. Let's start. Listen, sing and act. सुनो, गाओ और acting करो. Let's start. A happy song. A happy song. इसका मतलब होता है खुशी खुशी वाला गाना हम गाएंगे. हम इसे अच्छे से सुनेंगे और गाएंगे. हम एक्टिंग भी करेंगे. So let's start. Clap, clap, clap. Clap your hands. Clap your hands together. In this picture you can see there is a boy. The boy is clapping his hand. हमें ताली बजाना. Clap का मतलब होता है ताली बजाना. हमें ताली बजाने में मजा आता है ना. We feel happy to clap our hands. Tap, tap, tap. Tap your feet. Tap your feet together. अभी हम देखेंगे tap का मतलब क्या होता है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो there is a girl. आप ये girl को देख सकते हो. There is a girl. She is tapping. टैपिंग हर फीट मीन्स ज़मीन पे कैसे पैर को पैर जैसे पैर पे हम अपना हमारा जो पैर होता है हम ज़मीन पे कैसे मारते हैं उसे हम बोलते हैं टैपिंग करना. तो शी इज़ टैपिंग हर फीट मीन्स पैर बोलते ज़मीन पे पैर ज़मीन पर पैर मारना. हम ज़मीन पे कैसे पैर मारते हैं वैसे टैपिंग करना मीन्स ज़मीन पे पैर पर ज़मीन पर क्या करना. हम जैसे ज़मीन पे खड़े होते हैं तो हम अपना पाँव किस पे मारते हैं ज़मीन पे मारते हैं. तो द गर्ल व्हाट शी इज़ डूइंग शी इज़ टैपिंग हर फीट. वॉक 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 अराउंड. वॉक अराउंड टुगेदर. अभी वॉक का मतलब होता है चलना. जैसे हम चलते हैं ना अपनी क्लासरूम में हम अपने घर में भी चलते हैं. यू कैन सी हियर There is a boy who is walking himself. He is walking himself. वो walking कर रहा है चल रहा है means हम सब कुछ हम साथ में चलेंगे. Jump, 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 jump around together. There is a girl who can see she is jumping. वो क्या कर रही है कूद रही है ज़मीन पर. हम jumping करते हैं ना अपने place पर जोर जोर से कूदते हैं तो वो क्या कर रही है कूद रही है. Shall we sing this poem one more time? A happy song. A happy song means खुशी खुशी गाना गाना. Clap, clap, clap. Clap your hands together. Children, हमें clapping में मज़ा आता है ना. हमें ताली बजाना बहुत अच्छा लगता है. Tap, tap, tap. Tap your feet together. हमें ज़मीन पे पाँव मारना भी अच्छा लगता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गर्ल क्या कर रही है. ये टैपिंग कर रही है. वॉक 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 अराउंड टुगेदर. वॉक का मतलब होता है चलना मीन्स जमीन पे चलना. जमीन पे कैसा चलना होता है मीन्स हमें दिस बॉय इज वॉकिंग. ये बॉय क्या कर रहा है वॉक कर रहा है. जैसे हम अपने घर में चलते बाहर चलते क्लासरूम में चलते हैं उसे हम वॉकिंग बोलते हैं. Jump, 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 jump around together. Jump यानी कूदना. तो this girl is jumping. वो girl क्या कर रही है jumping कर रही है कूद रही है. Sing the song again changing the action. Example, sing a song means गाना. हमें गाना गाना अच्छा लगता है ना children. We enjoy to sing song. वे योर हैंड्स यानी दोनों हाथों को ऊपर करना. ये बच्चा देख रहे हो क्या कर रहा है. ही इज सिंगिंग. वो गाना गा रहा है. दिस बॉय इज वेविंग हिज हैंड. ये क्या कर रहा है दोनों हाथों को ऊपर हिला रहा है. टच योर टोस. अभी हम अपना टोस टच करते हैं ना अपने दोनों टोस को टच करना है दोनों हाथों से. टर्न अराउंड मतलब टर्न अराउंड थोड़ा सा घूमना है. Look and say clap. ताली बजाना. Clap का मतलब होता है ताली बजाना. Hands हमारे we have two hands. हमारे दोनों हाथ है ना. Tap यानी मारना. जमीन से tapping करते ना पैर से हम. Feet means आपके दोनों दोनों पैर होते ना पैरों के पास जिसपे हम shoes वगैरह पहनते हैं
वॉक का मतलब होता है चलना, आप अपनी मम्मी पापा के साथ मार्केट में वॉक करते, घर में जा घर में आप चलते होंगे, क्लासरूम में चलते होंगे, योर मीन्स तुम्हारा, जम कूदना, टुगेदर यानी साथ साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अराउंड यानी चारों तरफ।